मुझे पता नहीं लाइव चल रहा है कि नहीं, चालू हुआ कि नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम है, थोड़ा जल्दी हो जाओ बस। अरे यार, एनीवेज गाइस, मुझे नहीं पता लाइव स्ट्रीम चालू हो चुका है कि नहीं हो चुका है, पर मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि लाइव में मैं प्रैंक कर पाऊँ। और यार, हुआ है भी है या नहीं हुआ है? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या चल रहा है इसमें। ओके, जो भी हो, मैं एक बात बताता हूँ, मैं किसी के कमेंट्स वमेंट्स नहीं पढ़ पाऊँगा, इसको ही मैं म्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि रीज़न ये है कि मैं अंकिता पे करने वाला हूँ लाइव प्रैंक। अंकिता का मोबाइल वो यहाँ पे रख के गई है, और एक्चुअली मैं डिटेल में आपको समझा देता हूँ। 28 तारीख को एक्चुअली अंकिता ने मेरे को प्रपोज़ किया था, और 4 तारीख को, मतलब रात को 12 बज चुके थे, उस हिसाब से मैंने उसको हाँ बोला था। तो टेक्निकली हमारी एनिवर्सरी आज है, जो कि एक्चुअली में अंकिता के हिसाब से कल है। अंकिता भी आएगी, वो अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रही है, और मैंने उसको कुछ चीज़ें लेने का बोला, तो वो फटाफट इधर आएगी, और मैं उसके साथ करने वाला हूँ झगड़ा भयंकर वाला। तो सॉरी, आपके किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा फिलहाल, पर अपने लाइव प्रैंक करते हैं आज, ठीक है? तो वेट करना थोड़ी देर के लिए, जब तक वो आती नहीं तब तक थोड़ा सा झेल लो, क्योंकि उसको पता नहीं कितना टाइम लगेगा आने के लिए। उसका मोबाइल मैंने यहाँ पर ही रखा, उसको पहले छुपा देता हूँ, ताकि उसको पता ना चले मैं लाइव कर रहा हूँ। साइलेंट, एयरप्लेन मोड बंद। अभी वेट करते हैं अंकिता का, मैं इसको हाइड कर दूंगा ताकि उसको पता ना चले मैं लाइव हूँ। डन, ये मेरी एडिटिंग विंडो ओपन। हाँ चलो, डन गाइस, सब सेटअप रेडी। अब वेट करते हैं अंकिता का। आई एम रियली सॉरी, वापस से बोल रहा हूँ कि मेरे को किसी का भी वो सुना नहीं दे रहा है, ठीक है? या मतलब आ नहीं रही है कमेंट्स, मैं थोड़ा नर्वस हूँ गाइस। एक सेकंड, वो आया नहीं तब तक, देखने तो क्या कमेंट आ रहे हैं आपके। हेलो, साउंड स्लो हो गया? अच्छा, साउंड स्लो है, कुछ नहीं कर सकते यार, अभी मैंने सब सेटिंग करके रखा हुआ है। को ट्राई करता हूँ। क्या हुआ, अभी भी साउंड नहीं आ रहा है क्या यार? कोई बोल रहा आ रहा है, कोई बोल रहा नहीं आ रहा है। बोल, देखना ये चेक करना मेरा वीडियो कैसा है, एक सेकंड कौन मुझे सा जोड़ा वीडियो? करना, मैं एडिट कर रही थी ना। मेरे को तो ऐसे काम की बात करनी है पहले, मैंने कश्मीरी राजमा बनाया जो होता है उसके वीडियो भी बनाई थी मैंने, देख मेरा मेरे खाना को आ रहा है। बात करनी है तेरे से पहले। अरे एक सेकंड सिर्फ इतना रखना प्लीज, देख मैं कितनी क्यूट एक्सप्रेशन दे रही थी। कहाँ वॉइस ओवर कहाँ किया है? वॉइस ओवर अब तो करूँ यार, तू कर रहा था कब से इसलिए। कुकी, मेरे पानी की बॉटल कहाँ है? तेरे को पता तेरे पानी की बॉटल कहाँ है? देख, जनरली मेरे से गलती होती है। क्या है यार, तेरे को बात नहीं करनी है क्या मेरे से? तो मैं कब से, जब से आके बैठी है तुम से, मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि यार मेरे को बात करनी है तेरे से। गेम के 1 मिनट हुई और तू बकवास ही किए जा रहा है। चल बोल, भूल क्यों गई? क्या बोली मैं? कुछ नहीं, छोड़, जान दे, जाने दे बोला अंकित था यार, छोड़, मैं मेरे काम कर लेता हूँ। क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है यार, क्या भूली मैं? आज डेट कौन सी है? देख एक बार, तेरा मोबाइल किधर है? मेरे को नहीं पता कहाँ है, शायद मैं नीचे भूल गई होगी। ये रही, अभी तो
इमोशनल सॉरी ये क्या कहते हैं डेट कौन सी इतना पूछा मैंने तेरे को इतना नहीं मालूम 5 अप्रैल कल मैच जाके है तो आज डेट नहीं मालूम 4 तारीख आज 5 अप्रैल है आज क्या था अप्रैल फुल का महीना अंकिता अपने को 12 साल हुए आज और तूने विश भी नहीं किया मेरे को दोपहर हो चुकी है 3:20 हो गई है हिरेन तू कौन से जमाने में है भाई कल थी 4 तारीख और सुबह तुझे बोला भी था मैंने क्या तूने हाँ बोला था बेबी यानी तेरे लिए 4 तारीख और 28 तारीख को तूने प्रपोज किया था हाँ उसके बाद 4 तारीख को नहीं 4 तारीख को मिडनाइट को जब अपने रास्ते में थे हाईवे पे तब जाके 5 तारीख को मैं तेरे को हाँ बोला था रात को और मैं वेट कर रहा था सुबह से के साला तू मेरे को अभी विश करेगी विश करेगी कल सुबह तो मैंने तेरे को बोला था कि आज कल सुबह एडवांस में बोला था ना तो आज का क्या 5 तारीख नहीं 4 तारीख है बे तू क्या बोला याद कर आबू में तो अपनी लव स्टोरी वीडियो खोल के देख ले मैं तेरे को हाँ बोल दिया था 4 को बोला हाँ बोला था मैं तेरे को नहीं बोला था हिरण 4 को बोला था यार इतना ऐसा बात कर इतना वक्त सब 4 ये पैसे मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया था ये ले पकड़ चल झूठे ये तूने तेरे खुद के लिए खरीदा है बहुत पहले खरीदा हुआ है खोला है मैंने ये बजट था तब लाके रख दिया था अब आज देने वाला था मैं तेरे को होता और ये मैं तेरे को दिखाने वाला भी नहीं था मैंने देखा था मैं दिखाने वाला नहीं था बाई चांस देख लिया था तूने वहां पे भी मैं तू मेरे सर पे घूम रही थी इसलिए चुप होना गुस्सा निकल जाएगा उस पे 28 को मैंने देखो प्रपोज किया था फिर अपने गए थे आबू उस वक्त मैंने उसके एक दिन पहले मैंने प्रपोज किया था क्या मैंने तेरे को 4 तारीख को हाँ बोल दिया था 4 तारीख को बोला था ना नहीं बोला था 5 को रिटर्न आने वाला था 12 बज गए थे ये टॉपिक अपना पहली बार निकला है हिरण रात थी इतना पता है फाइन हो गया ना हैप्पी एनिवर्सरी खत्म भी खत्म का हुआ छोड़ दे मेरे को हाल बता मेरे को सीरियस में वो गुस्सा आ रहा है इरिटेशन हो रहा है मत कर मेरे साथ ये हर 5 तारीख यानी अभी दोपहर हुआ ना अभी रात को आ गई और मैंने तो मेरे साइड से मैंने प्रपोज किया था 28 को मैंने 28 को तेरे को गिफ्ट भी दिया मैं तेरे को खाने की डेट पे भी ले गई थी मैंने तेरा फेवरेट नेपाली कुजिन ढूंढ करके तेरे को नेपाली खाना भी दिलाया तो मतलब मेरा तरफ से हो गया ना वो काम करना था यार काम करने दे बोला ना मत करना प्लीज बोल रही हूं मैं तेरे को मेरा मूड और दिमाग दोनों मत खराब कर मैं कुछ गलती से बोल जाऊंगा अपना दिन खराब हो जाएगा एनिवर्सरी वाला तूने मुझे नहीं दिया था ये मत कर मैं घुसेड़ दूंगा आग के अंदर जंपिंग वाला लग रहा है तेरे को बच्चों वाला और मैं मजाक लग रहा हूँ ऐसा लग रहा है तेरे को हमेशा मैं ऐसा करती हूँ तुझे तब प्रॉब्लम नहीं आ रही तेरे को आज क्या प्रॉब्लम आ रही है मेरे से मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई आज स्पेशल दिन है तू वो दिन कभी नहीं बोलेगी मुझे लगा तू रात को 12 बजे विश करेगी पर रात को 12 बजे तुझे फ्राई राइस करके खाने का ज्यादा याद आया था पर ये याद नहीं आया कि विश करना है छोड़ यार और मेरे लिए फ्राइड राइस करके मेरे को एग्जैक्ट ये भी याद है कि 1:32:36 में मैंने देखो हाँ बोला था आज तक तूने कभी नहीं बोला अपनी लव स्टोरी वीडियो में भी ये टाइमिंग तूने नहीं बताया हाँ नहीं बताया क्योंकि मैं तेरी तरह शो ऑफ नहीं करता 12 साल के बाद तेरे को याद आ रहा है मैं ना उसके थप्पड़ लगा दूंगा उसको बोला चुप है मूड खराब है मेरा भी दिया है ना चुप एकदम छोड़ना है मेरे को तू अभी चली जा ना तू तेरा एडिट कर रही थी तू जा ये गिफ्ट है तेरा वो भी लेके चली जा फेंक मत चीजें पैसे से आती है तेरे को पता है ना पैसे से आती है हाँ तो वैल्यू होनी चाहिए मेरे को मत कब बुला दी पर तक मेरे को कभी नहीं बताया यार जरूर तू शो ऑफ 13 मिनट वाला शो ऑफ नहीं चीज है शेयर करनी होती है 32 मिनट बोला ना तू और 26 सेकंड सीरियस है तुझे इतना टाइम याद रहता हो 26 सेकंड भी हीरे यार क्योंकि मैं हाँ बोलने वाला था इसलिए मैंने खोल के रखा था लाइव टाइम थोड़ी देर के लिए तो चली जा मेरा मूड खराब मत कर प्लीज कर देना सॉरी नहीं बात करनी मुझे तेरे से अभी प्लीज अभी थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ेगी क्योंकि मेरा मूड खराब है इनिशियल रिएक्शन है मेरे को गुस्सा आ रहा है हाँ तो सर पे चढ़ी रहे झगड़ा कर लेते हैं अपने ठीक है
इतना लंबा झगड़ा करते, इतना तगड़ा झगड़ा करते, उसके बाद तू चली जा। आज तक अपने 5 तारीख को नहीं किया, क्योंकि एट दी एंड झगड़ा करने के बाद लास्ट में तेरे को ही बुरा लगेगा, उसके बाद तेरे को बुरा लगेगा, तू बोलेगी कि तेरा वहाँ क्या, क्योंकि तूने किया था। आज तक अपने ने कभी नहीं किया 5 तारीख को, 4 को ही किया है। तू आज इस बार पता नहीं टाइम बता रहा है और क्यों कर रहा है। अगर तूने मुझे पहले से ऐसा करा होता, बताया होता टाइम, तो मैं हमेशा 5 तारीख करती। 28 को मैंने किया था, 4 को तूने हाँ बोला था, सॉरी 5 नहीं 4। 5 तारीख को 1:32:26 AM PM भी बोल दे तू। AM रात को 12 बजने के बाद AM होता है, पता है ना? हाँ तो पूछ, तो इतनी गवार तो नहीं है ना तू? है पर इतनी तो नहीं लग रही मेरे को। मैं कोई गवार वार नहीं हूँ, ठीक है? और यार अपने दोनों के बीच कभी कन्वर्सेशन नहीं हुआ। हिरन कुकी चुप, इसकी तो हिरन कुकी खोल देगा तू। इधर आ जा। हाँ अब चिल्लाना मत, इधर आ चल। वो नहीं आएगी तेरे पास। हाँ तो बैठ, बिठा ले तेरे पे, बोल चिल्लाए नहीं फालतू में। प्लीज फालतू में चे कर रही है यार। हिरन बेबी प्लीज, पर तूने मुझे कभी नहीं बताया। चल मैं एक्सेप्ट कर लेती, मेरी गलती है, अब माफ कर दे मुझे। सॉरी, हम दोनों बड़े सॉरी। मेरे को क्या लेन देन है, क्या उसको थोड़ी पता है एनिवर्सरी थी नहीं थी, अभी अभी तो पैदा हुई, 1 साल नहीं हुआ इसको। प्लीज यार सॉरी, देख अगर आज अपने तेरे हिसाब से है 5th को, तो मूड खराब मत कर, स्पॉइल मत कर मुझे। तू ना और देख, एक और बात बोल रहा हूं, अभी बता, एक सेकंड मेरा बात खत्म हो जाए। नहीं मेरी बात सुन ले पहले, भले आज दिन जैसा भी हो मेरा मूड खराब रहने वाला है, तो मेरे को छेड़ना मत। शाम को सिर्फ अच्छे मूड में रहना, मैं भी थोड़ा सा ही कर लूंगा। शाम को लाइव आने का है ब्लॉग चैनल पे, शॉर्ट्स पे, पता है ना देखो। हाँ तो वो उस वक्त मूड थोड़ा ठीक रखना, क्योंकि उस पर पहली बार वर्टिकल लाइव आने वाले हैं अपने। तूने अगर पहले मुझे डिस्कस किया होता है, अरे डिस्कस थोड़ी करना होता है यार, क्या एनिवर्सरी है, मैं क्या डिस्कस, मैं क्या कर, चलो पेपर पेन लेके बैठते हैं, पेपर पेन लेके बैठते हैं, ये देखो ये रहा, इतने बजे मैंने प्रपोज किया था, आज मैं आज अपने 12 साल हो, ये डिस्कस करूं मैं तेरे साथ? मैं तेरे को बोलती हूं नहीं कि तूने कर रही है, किया था इस दिन ये कपड़े पहने थे। अगर तूने मुझे बताया होता कि मैंने तेरे, तूने मुझे हाँ बोला था रात को 1:32:26 तो मुझे याद रह जाता, अब जैसे हमेशा के लिए याद रह चुका है और आज के बाद कभी भी वो नहीं भूल पाएगा, तो तू प्लीज सॉरी बेबी बोल। हो गया, मैंने 28 को तेरे को स्पेशल फिल्म नहीं करवाया था? नहीं लाता है और गिफ्ट देता है, वो चीज पैसे भले महंगे होते हैं तो वो पैसे वेस्ट नहीं होते। और अगर कुछ मैंने एफर्ट किया और 4,700 या कितने रुपए का 2 लोगों का खाना, देखो वो लग रहा है वाह कितना बड़ा अच्छा काम किया अपन ने। नेपाली फूड पसंद है क्योंकि अहमदाबाद में कोई जगह नहीं गुजरात में मिलता है। दिल्ली में अपने प्लान किया जितनी बार नहीं जा पा रहे, इसके लिए मुझे ऐसा कि तुझे स्पेशल फील होगा। उस दिन में तूने ऐसा मुझे बोल दिया कि तू बता नहीं पा रहा है जस्ट बिकॉज के तुझे एक्सप्रेस करना नहीं आता, तो मैंने मान लिया। तो तू रोना क्यों चालू कर दी? क्योंकि तुझे चीजों की वैल्यू नहीं है। रोते हुए इंसानों के पास जानवर नहीं बैठते, इधर आ। चलो अरे यार मत करना, ये मेरे हाथ को ये मत करना, अगली बार चल तुझे बस उसको भी नहीं आना है। चलो वो चली गई, अच्छा मेरी चलते ही, चलो रोना बंद करो। तो मेरी चीजों के एफर्ट को तू समझ नहीं रहा। पर रो क्यों रही है? क्योंकि तू ऐसा बोल रहा है कि तूने खर्चा करके आई, तो तूने भी तो खर्चा किया। मुझे नहीं चाहिए तेरा गिफ्ट, तेरा बस रख दे दे ले दे ना मुझे पता। अरे दे ना, नहीं फेंकूंगा मैं, मुझे पता है तेरे मेरे को नीचे दे ना मेरे को। मैं से बोलूं क्या रख मेरे को दे दे, तूने एक बार तेरे मुंह से बोल दिया तेरे को नीचे मेरे को दे 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 पहले तूने बोला तेरे को नीचे अब दे दे सीरियसली दे दे ये बैठी है वरना मैं खुद उठ के ले लेता दे दे पहले मुझे बॉक्स नहीं बॉक्स दे बॉक्स दे
बॉक्स दे प्लीज कह बॉक्स दे आज का दिन अगर तू खराब कर यार बॉक्स दे देना सिर्फ यार चार बार बोल दिया तेरे को मैंने तो पागल हो गई है कि मैं एक प्रैंक के चक्कर में इतना महंगा बॉक्स तोड़ दूंगा तो क्या लगता है ये वाला बॉक्स मैं छोड़ दूंगा तेरे लिए लाया हूँ उसको एक्चुअली तो तेरे लिए लाया भी नहीं है मेरे लिए मेंस का है प्रैंक कर रहा था मैं तेरे पे यार हिरन क्या मतलब था तेरा ये करने का तेरे को मेरे को हर्ट हुआ तूने मुझे बोला कि उस दिन मैंने तेरे लिए 5,000 डिनर के खर्चे किए वो तेरे को वैल्यूएबल नहीं थे मैंने तो ऐसा बोला ना 5,000 थे भी नहीं 4,700 वही थे वही 4,700 रुपए और वो तूने उसमें मुझे तेरी एक्सप्रेस नहीं किया था फीलिंग तो उसका मतलब ऐसा कि सच में तुझे मजा नहीं आया मेरी एफर्ट गई सब पानी में कम से कम ये तो पूछ ले कि अगर प्रैंक मैंने तेरे पे किया है तो मैंने कैमरा कहाँ रखा है तेरा कहाँ रखा है कैमरा बता दे मुझे एक से नहीं विंडो खोलने दे मेरे को हाय गाइस मेरे कमेंट्स किसके आ रहे हैं लव फ्रॉम केरला ऑसम मेरी जान फाइट मत कर ओश अंकिता इसको लग जाता अभी नहीं लगता उसको मैंने मेरे ये कर वो डर गई पर इधर है लोगों से बात करके तो जा वो नहीं करना बात है तो होते ही करता नहीं है 5 तारीख रात के 1:32 26 सेकंड पहले अंदर फ्रेम में था यार पहले फ्रेम में आज कुछ भी नहीं था इधर इतना खराब है मेरे साथ लाइव भी करने लगा सबको अगर मैंने कुछ गंदा गाली वाली बोल दी होती तो अनसेंसर चली जाती मैं क्या करूं मेरे तुझे कुछ बहुत ज्यादा गंदा बोल दिया होता तो अनसेंसर चले जाता कितना करो मतलब अब तेरे साथ पहले बार मैंने किया है लाइव पे क्या इतना भी सेफ्टी मेरे को नहीं है यार एक लोगों से तो बात कर ले एक मिनट सॉरी तेरे को बस वो तो खुद में आ गई इसको तो बिल्कुल सॉरी नहीं बोलने वाली हूं गाइस देखो मुझे नहीं कुकी अंकिता देख इनसे कम से कम बात करके जा मेरे से नहीं मुझे रोना आ रहा है मुझे रोना है जो मैं जा रही है तेरे को हां चल लोगों से बात करके फिर रोल इधर आ अरे आना एक सेकंड यार तूने चल ना मुझे हट किया है हां ठीक है इधर आके एक बार बात कर ले अब भी जा रही हो वो वैक्यूम मैंने दिया ना उसको तोड़ ना दूं तो मेरा नाम वो मैंने रख दिया है तेरे को पता भी नहीं कहां पे है मुझे पता है अरे एक सेकंड इधर आ जाना अपने बाद में झगड़ लेंगे पहले लोगों से बात कर ले बात तो कर ले ये रहे देखो मेरी साइड देख ले अंकिता नहीं बात करनी है चल कूकी अपने रोना मत कर हाय गाइस गाइस कैसे हो सब लोग जा रही हूं अंकिता यार मत करना हो गया ना प्रैंक कर रहा था बोला ना बाद में अपने झगड़ते मारते एक दूसरे को बस पर एक बार पहले इधर लाइव में ये मत कर देखो बोल रहा हूँ हाँ कुछ ज्यादा गुस्सा कर दिया मालूम है पर क्या करूँ ये मान नहीं रही थी रिएक्शन ही नहीं आ रहे थे क्या करूं अरे देखना इधर बात एक को भी कमेंट का रिप्लाई नहीं करेगी ते क्या बोल रहा हूँ मैं कोई रोबोट नहीं हूँ कि सडनली स्विच हो जाऊँ इधर से उधर ये नेचुरल चीज है नेचुरल फीलिंग है जो तू नहीं समझ पाएगा एक दिन मैं तेरे लाइफ से चली जाऊंगी तब तू समझ एक ही धमकी देती रहती जाती तो है नहीं हाँ तो जब चले जाओगे तब तेरे को पता चलेगा फिर यही वीडियो देखते रहना कि मेरे पास कितनी स्पेशल चीज थी जिसको तो फिर तो किसी और के साथ नहीं डालूंगा वीडियो फिर भी तेरे साथ क्यों डालूंगा अगर ब्रेकअप हो गया तो वीडियो देख के याद तो आएगा ना डिलीट कर दूंगा फिर तो नहीं होगी जीरो से शुरुआत असली नहीं होगी जीरो से शुरुआत थी हर लड़की को यही लगता है कि मेरे जैसे कोई नहीं एनीवेज गाइस ये तो मेरे को लाइव प्रैंक करना था मैंने कर दिया आज शाम को लाइव आने वाले हैं ब्लॉग चैनल पे वर्टिकल लाइव अरे ये बंद करने तक तो रुक जा 2 सेकंड आ जा इधर क्या करूंगी शॉपिंग की तरह खड़ी रहो हाँ एक सेकंड खड़ी रह अरे एक सेकंड आ जा मत करिए हरकत है अंकिता इधर इधर आ चलो यार गाइस आज ब्लॉग चैनल पे मिलेंगे लाइव वर्टिकल लाइव पे तो ज्वाइन कर लेना नोटिफिकेशन बेल आइकन सबको दल देना ब्लॉग चैनल पे और जो मैच का ब्लॉग था वो तो आ जाएगा कल सुबह तो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम या प्रैंक में तब तक के लिए बाय गाइस लव सब लोग अगर बाय चांस किसी ने सुपर चैट्स वगैरह किए और मेरे से मिस हो गए हो तो सॉरी क्योंकि मैं देख नहीं रहा था मैं बाद में उनका रिप्लाई कर दूंगा ठीक है तो बाय गाइस लव सब लोग गुड नाइट टेक केयर गुड नाइट क्यों बोला वैसे बाय हैव अ ग्रेट डे टेक केयर